है गाइस गुड मॉर्निंग और मैं हूँ भारत देश के अंदर एक सेकंड और उसके अंदर भी गुजरात के अंदर और उसके अंदर भी अहमदाबाद क्षेत्र के अंदर सबर करो और उसके अंदर भी मैं भावनगर के अंदर हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? और आज बैठा हूँ मैं बहुत शांति से और ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और आपको यहाँ से कुछ ऐसे चीज दिखाऊंगा जो की आपने नहीं देखी होगी। हम जो चलते है ना जंगल एरिया में चलते है इधर और एक स्टेशन पड़ता है राजूला टू महुआ, उसका बीच का सफर मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसी जर्नी रहती है। मैं जस्ट अभी फ्रेश होके जस्ट देखो मैंने बिस्तर लगा लिया नीचे और पत्तियाँ भी लगा लिया है मजा से और यहाँ के लोगों को देखूंगा काफी अच्छा लगता है मुझे। तो सोच रहा था आपको भी दिखाऊँ ये जर्नी। तो आज मेरे साथ चैनल बने तो चैनल को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोच तो बिल्कुल पूरी खाली खाली है और देखो इधर से जब निकलते ना तो ऐसे घर पड़ते हैं। देखो मैंने जूते भी साइड में रख दिए ताकि दिक्कत ना रहे, नंगे पैर बैठेंगे गाइस, बड़ा आनंद है यार। इतनी मस्त हवा तन बदन को एकदम चकनाचूर कर गए। देखो गाइस इधर के ऐसे तो घर है, घर दिखा देता हूँ आपको। और भाई जा रहा है मस्त, बाय बाय। चलो इधर देखते हैं, ट्रेन काफ़ी स्लो चलती है। इसका कारण पता क्यों हो गया? यहाँ पे ना जानवर रहते हैं, कोई भी जानवर अचानक से अंदर आ जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए ट्रेन को स्लो चलाते हैं। और देखते ही देखते तेज हो जाती है तो कम से कम ये 100 पे पहुंच जाती है, आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से देखते हैं, देखो ये नज़ारा है इधर कितनी सारी गाय। देखो ट्रैक्टर कैसा है, देखो ट्रैक्टर देख रहे हैं आप भाई, फसल के बीच में भी चला सकते हैं इस ट्रैक्टर को, इस प्रकार का ट्रैक्टर है देखो। तो ये ट्रैक्टर हमारे तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ क्या लग रहा है जाम बड़ा। तो लोग रुके हुए थे हमारे इंतजार कर रहे थे कब हम निकले तब ये निकलेंगे इधर। तो गाइस देख रहे हो मौसम तो बिल्कुल है ना अल्टीमेट है यार, अल्टीमेट। इसका अल्टीमेट का मतलब मौसम, देखो क्या मस्ती की खेती हो रही है इधर, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस मुझे तो। और ट्रेन की स्पीड तो देखो अब कितनी बढ़ गई है। दरिया बादे पिदाओ में फूल भी खिले रंगियों से, धड़कनों का ये गीत गाते रहे हम। देखो इस ट्रैक्टर कितना छोटा छोटा ट्रैक्टर है इधर यार, देख हमारे तरफ तो ये सब बड़े बड़े ट्रैक्टर है, इधर तो बहुत छोटा छोटा ट्रैक्टर है, मिनी ट्रैक्टर है इधर। और ये क्षेत्र गाइस वही है जहाँ पर जानवर रहते हैं, देख रहे हैं आप ये जाली, देख रहे हैं आप जाली से अंदाजा लगा लो, ये जो जाली है ना ये उसी के लिए लगाई है, ये जाली है ना उसी के लिए लगाई है ताकि कोई भी जानवर है ना अंदर ना आए इस जाली के अंदर। देखो कितने ये पूरी कम से कम ने ना 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की दायरी में ये जाली लगी हुई है। देखो मेरे साथ ये जाली खत्म नहीं होगी, हमारा स्टेशन आ जाएगा, देखो इतना गैप है ताकि उधर का जानवर इधर ना आए, कोई भी नीलगाय हो शेर हो या। और ये पूरा डेजर्ट है ना जानवर से भरा हुआ है, लेकिन अभी खुले में थोड़ी दिखेंगे ये जानवर, ये रात के टाइम दिखते हैं, हम जब निकलते हैं ना तो इनको देखते हैं। कभी मैं ब्लॉग लाऊंगा रात को तो उनकी आंखें दिखती है तो आपको भी मैं दिखाऊंगा। देखो कितना है ना इधर वो कर रखा है इन्होंने, जाली लगा रखा है। और गाइस देखते ही देखते मैं आपसे बता रहा था ना कि आपने 100 की स्पीड देखी कभी, ट्रेन हमारी अभी चल रही है 100 प्लस, और यह स्पीड बाहर कितना दिखती है आपको दिखाता हूँ। ये देखो बाहर ऐसा लगता है, देखो इतना स्पीड 100 का जो स्पीड है ना वो देखो कैसे स्किप करती हुई जाती है चीज़ों को। देखो ये जाली रही, जाली के बाद जो रोड रही है ना, तो आप समझ रहे हैं ये रोड तो खेत पे आने जाते 5 इंच का है ना, ये कम कर दिया रेस क्यों किया पता यार, कुछ भाई लोग है यार ऊंचा हाथ कर रहे हैं तो आके मैं भी करूँ, दोस्त है यार पढ़ने वाले हैं लड़के बो रहे हैं एह भाई। भाई मस्त है, पढ़ने के लिए जा रहे हैं यार वो तो कहीं पे। देखो ट्रेन ने कितना पापी स्लो ले लिया अपना न्यूटन, वीडियो तो अपनी बंद होने वाली नहीं है, लगातार चल रही है देखो। और ये जंगली एरिया है, देखो ये कैसा एरिया है, इधर रहते हैं ना जो जानवर रहते हैं जंगली जानवर, अभी हम भी देखने की कोशिश करते हैं लेकिन दिन में हमको नहीं दिखाते हैं गाइस। देखो नदी है ये तो, नदी छोटी वाली नदी है, उनका पानी पीने का वो है ये तो एक जरिया। और यहाँ की खेती कितनी काका लगे रहो
किसान है भाई, देश की धरती से जुड़ा भूमि पुत्र। आपन कहाँ के मालिक है, आपन भी किसान ही है यार। छोटी मोटी खेती अपनी भी है। कई नील गाय दिखे, देखो 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 भाई, आपको दिखाता हूँ नील गाय। देखो कबो रही, बोरा नहीं दिखी यार, कहाँ है, कहाँ निकल गई। अरे वो हमें ये मोबाइल में नहीं दिखी यार, वो उसके पेड़ के आड़ में दुख रही थी। और आने वाली है शायद, यहाँ पे एक दो और होगी, झुंड में रहती है वैसे भी है। अब नहीं दिखेगी यार, जाली की इस तरफ आ गई थी इसकी माँ का। गुजरात में बोलते ना, अब काका लगे रहो भैया नो, तभी पेट पूजा होगी। वैसे गाइस गुजरात के लोग है ना, सब अच्छे हैं। दूर से अगर उनको आवाज़ देते हैं ना और ऐसे बाय बाय करते हैं ना, तो वो उनको भी अच्छा लगता है काफ़ी। और यूपी बिहार के होते हैं ना, तो सीधा गाली देते अगर उनसे बाय बाय कर लेते तो एकदम गाली देते। देखो मैं गुजरात में बोलता हूँ कि गुजरात ना लोग सारा छे ना प्रमाणिक छे। और इतनी मूंगफलियाँ, पूरी मूंगफली मूंगफली है, ये सफ़ेद सफ़ेद पूरा इलाका में मूंगफली है। यानी कि मूंगफली तो काली मिट्टी में होती है, इधर भी ये काली मिट्टी है। कितना मूंगफली है यार, इतना मूंगफली कहाँ ले जाओगे ये लोग। तो भाई यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, खेतों पे अपना घर बसा लेते हैं। देखो कितना सारा, देखो कितना बड़ा खेत है, इसके पीछे पाइप वाइप रखे हैं और गाय की व्यवस्था है चारा पानी के पीछे। और यहीं पे देखो ये, और क्या बताएं, पूरा अच्छा सा घर है भाई, एक नंबर जगह है। और देख क्या बताएं, ये दोस्त छोटू, बाय 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 दोस्तों। और देखो कितना अच्छा सा लग रहा है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो जालियाँ बंधी हुई, देख कैसे दोस्त, दो बहुत पुराने दोस्त थे, देखो बैठ के बतरा रहे हो बचपन का प्यार। और देखो ना, जाली अब तक भी ख़त्म नहीं हुई है, समझ रहे हैं, यानी कि इतना आप सेफ्टी है ना। ये गांव की नदी है जहाँ पर लोग नहाते हैं धोते हैं होंगे। और देखो भैंसों के कैसे आगे यार, वो डंडा बांध रखा है, पता नहीं इतनी सजा क्यों, और डंडा के आगे उसको रस्सी से भी बांध रखा है। और ये भैंस चराने वाले भाई लोग हैं, मस्ती का भैंस चरा रहे हैं इधर। तो यहाँ पर एक भाई लोग आया है आगे, ये काम भी कर रहे हैं। काका पापा सीताराम, गुजरात में यही सब बोलते हैं। तो हमें भी 4-5 मंथ हो गए करीब। तो ओ ए छोटू, और गाइस सबसे बड़ी बात बताओ ना, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये कपास की खेती है। गुजरात में जो काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी कपास के लिए बहुत फेमस है। और वैसे भी पूरे भारत के अंदर गुजरात कपास के लिए बहुत है। भाई दवा किसने छिड़क रहे हो, इसमें तो कोई खेती नहीं है। इसमें बस चारा मार के क्या करोगे, उसमें कुछ बो ही नहीं रखा है। देखो इससे बोलते हैं खेती, कितना कितना हरा हरा खेती है, कपास है पूरा। गाइस पूरा कपास है, जितनी दूर तक तुम्हारी निगाह जाएगी ना, उतनी दूर तक तुम्हें कपास ही कपास दिखेगा ओनली। क्योंकि ये वैसे भी कपास देख रहे, कपड़े बनते हैं, और कपड़े बनाने की प्रथा महात्मा गांधी जी ने चलाई थी, ओब्वियसली गुजरात के थे, वो भी राजकोट। और गाइस देखो हमारी लाइन है ना बिल्कुल क्लियर है, सामने कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ना इतना स्लो गाड़ी चल रहा है इसका, है ना, एक ही मतलब है कि जानवर कोई इधर बीच में ना जाए। गाड़ी हमें स्लो चलती है, और नाइट के टाइम जब गाड़ी आती है ना, तो इससे भी गाड़ी हमारी स्लो चलती है, ताकि किसी भी जानवर को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। देखो ये कौन सा है ना, ये क्षेत्र है ना, जो वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र है। देखो सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें आपको मैं पढ़वाऊंगा क्या लिखा है। देखो ये सामने का बोर्ड है, इसको रीड करो अच्छे से, इस पर क्या लिखा है। देखो मैं आपको पढ़कर दिखाता हूँ इस पर क्या लिखा है। वन्य जीव गतिविधि क्षेत्र, यानी कि वन्य जीव, देखो शेर का लोगो मरा हुआ, देखो इसका मतलब है ना इधर शेर रहता ही है, बस दिखता नहीं है आसानी से। और गाइस इसको देखकर तो मुझे मेरे दादा और मेरे पापा की बचपना याद आ गया। इसी तरह लाख देखो खेती करते थे पहले, और आज तो सिर्फ क्या ट्रैक्टर वगैरह चल गए, आधुनिक हथियार इतना हो गए, इन सब गाँव में दिखते ही नहीं है। लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर है ना आज भी खेती बैलों से की जाती है। तो यार गाइस मैं यार थोड़ा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि हमें कोई एक भी जानवर नहीं दिखा है। लेकिन नाइट में आते ना तो हर बार जानवर दिखता है, और जब मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ ना तब हर बार जब दिखता है, पर आज मुझे नहीं दिखा। और हम आ गए एक छोटे से स्टेशन जिसका नाम है अमृत बेल, बिल्कुल लोकल सा है जहाँ का स्टेशन। देखो ये स्टेशन मास्टर का घर है, और गाड़ी रखी है, यानी कि लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में रहते हैं। ये सब लोग बहुत अच्छे हैं।
हम देख रहे हैं यहाँ पर जानवर, तो ये बोल रहे हैं हमसे अंदर रहे, लेकिन इनको पता नहीं हम ड्यूटी करते हैं, हमें आदत है गेट के पास खड़े रहने की। तो ये तो छोटा सा स्टेशन था, देखो स्टेशन ही, देखो कुछ भी नीचे ऐसा बना नहीं रखा जहाँ पर लोग आराम से उतर सके और बाहर इधर जा सके। देखो ऐसा चारा मारा है, और ये सब देखो बोट की हालत क्या कर दिया है। पर लेकिन गाइस देखो क्या नजारा है सामने का, देखो कितना सारा पेड़ है भाई। आ रहा छे अप्पा ने बप्पा ने बप्पा, और ये स्टेशन है, ये घर है, ये छोटा सा स्टेशन है ये तो बस। इस स्टेशन को देखकर आता है करण अर्जुन मूवी का ध्यान, ये छोटे छोटे स्टेशन बहुत पुराना टाइप का स्टेशन लगता है, ऐसा लगता है यहाँ पर कोई मूवी शूट कर दी, क्योंकि स्टेशन में इसी टाइप का। और ये तो आपने कभी नजारा देखा ही नहीं होगा, देखो कितना इधर पटली है और इधर रोड है, देखो कितना सा गैप है बस। और जो मूवियों में सीटिंग होती है ना, साथ में घोड़ा भागता है और इधर ट्रेन चलती है, मुझे लगता है ऐसी जगह पर शूट होता होगा, क्योंकि देखो लंबा लंबा रास्ता है रोड का भी पूरा क्लियर, और देखो ट्रेन का रास्ता भी पास बाजू में ही है। तो ये गाइस काफ़ी समय के बाद एक गांव आया है, और इस गांव का नाम तो हमें पता नहीं है, अगर बोर्ड लगा होता ना तो देखते हैं। और ये गांव क्या है, ये गांव था छोटा सा भाई, ये कौन सा गांव है उनको भी नहीं है पता, गांव में भी रहते हैं फिर भी पता नहीं है। देखो गाइस बरसात का तो मौसम चल रहा है ना, लेकिन इधर पानी बहुत कम है, पानी इतना ही भरा है ताकि इसमें नदी में आ गया, लेकिन ये नदी की धारा है ना जो अभी चालू नहीं है, काफ़ी पुरानी नदी लग रही है मुझे तो। ये देखो बहुत पुराना पुल बनाया होगा यहाँ पे, और देखो पूरा क्षेत्र कैसा है, इधर भी मतलब वो शेर टाइप का जंगल टाइप का है, शेर में रहते हैं लेकिन बहुत कम रहते होंगे, अब तो मिटा दिए होंगे सब, अभ्यारण्य में भर दिया होगा। तो गाइस धीरे धीरे अब हमारा मोहम्मद शेर आ भी गया कुछ देर की बात है, तो आई होप आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आ जाए शेयर करना, लाइक करना, एंड कमेंट बॉक्स में बताना यह वीडियो आपको कैसे लगी। और हम जब नई ब्लॉग बनाते हैं ना तब हमको जानवर दिखते हैं, और जब बनाने लगते हैं उस टाइम नहीं दिखता है, तो मेरी भाषा को आप समझने की कोशिश करना। रात को मैं ब्लॉग बनाऊंगा, अगर उसमें जानवर आएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, फॉलो मोर नेक्स्ट वीडियो एंड सपोर्ट मी।